स्वागत है फ्रेंड आपका एक नए ब्लॉग वीडियो में। सो फाइनली फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। लाइक गांव की बात करें तो हम आ गए अपने मामा के यहाँ। आज हमारी बहन की है शादी, तो फाइनली आज मैं आपको पूरा ब्लॉग में वही दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे शादी का मतलब क्या, कैसे प्रोग्राम होता है। तो ब्लॉग वीडियो में आप बने रहें, और आपको ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हालांकि ये ब्लॉग वीडियो आपको दो चैनल पे अपलोड होगा, एक कृष्णा ब्लॉग सूरत और जो दूसरा चैनल है सूरत बॉय कृष्णा। तो मेरे साथ एक और फ्रेंड है, उनका नाम है शिवम। वो अगर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो बोलेंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मौर्य। मैं यहाँ आज हमारे गाँव में शादी है और बगल में देखिए लड़के वाले का टेंट लगा हुआ है। आगे आपको कितना बताएंगे। तो फाइनली फ्रेंड जहाँ पे टेंट लगने वाला है, आई मीन लाइक अगर बात करें जब बारात आती है तो सबसे पहले पानी वगैरह पिलाया जाता है, तो उस वाले लोकेशन पे हम पिलाएंगे जहाँ पे मैं उंगली दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। और अगर बात करें एंट्री गेट की तो गेट आप इस तरफ देख सकते हैं, ये पीछे की तरफ, ये पीछे देख सकते हैं कैमरा मैन भी आ रहे हैं। हालाँकि बारात आने में भी अप्रोक्स 1 आवर जितना टाइम लगेगा ही। चलो हम आपको अंदर चलते हैं और अंदर का लोकेशन दिखाते हैं कैसी तैयारी की गई है और सजावट वहाँ पे कैसा किया गया है। तो चलो अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह की तैयारियाँ की गई है, नीचे गद्दा बिछा दिया गया है और एक एक तकिया रख दिया गया है, और बीच में आपको चेयर देखने को मिलेगा। हालांकि उस चेयर पर दूल्हे राजा बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसी रात होती है जो पूरी रात दूल्हे के लिए होती है, मतलब जो पूरा डेकोरेशन रहता है, पूरी तैयारियाँ रहती है, वो सब उन्हीं को देखते हुए रहता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की तैयारियाँ की गई है। पीछे का जो आप लोकेशन देख रहे थे ये ऐसा लोकेशन था जब बारात आती तो स्टार्टिंग में कुछ नाश्ता वगैरह दिया जाता है, तो नाश्ता वगैरह का भी यहाँ पे ही मैनेजमेंट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं टेबल वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, तो पूरा सिस्टम यहीं पे मैनेजमेंट किया जाएगा। और रेस्ट के लिए थोड़ा वहाँ पर जगह बना हुआ है, जो बाराती रात में रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ मुझे कमी देखने को ये मिली, पीछे आप देख सकते हैं गेट है जिसको हम एंट्री गेट बोल सकते हैं, आई मीन दूल्हे की एंट्री इसी गेट से होनी है। बट यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे और डेकोरेट की ज़रूरत है या लाइटिंग की और ज़रूरत है। अब देखते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ लाइट वगैरह लगाया गया है ये आप कैमरे में देख सकते हैं, बट इस लोकेशन पे भी लाइट नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लाइटिंग की ज़रूरत है। वीडियो अपलोड होने के बाद अगर कोई देखता है प्लीज़ लगा दें। भाई है जो उमाकांत भाई है वो पूरा काउंटिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आज जो दर्जा का प्रोसेस था वो लमसम पट ही गया ऐसा बोल सकते हैं। मतलब अब सब इंतजार कर रहे हैं कि बारात कब आए। फ्रेंड जो आप पीछे देख रहे हैं ये एक्चुअली स्टेज है, मतलब जो वर्गमाला का प्रोसेस है इसी लोकेशन में होने वाला है। और ये पीछे आप देख सकते हैं झूले टाइप का स्टेज बनाया गया है, जैसे झूले टाइप का स्टेज नॉर्मली आता है सेम उसी टाइप का है ये देख सकते हैं। और डेकोरेट की बात किया तो ठीक ठाक यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, और लाइटिंग की बात की तो लाइटिंग भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक की गई है। अगर मैं आपको चारों तरफ से यहाँ पे लोकेशन घुमा के दिखा दूँ तो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए ठीक ठाक है। और अभी यहाँ पे शादी है क्योंकि बारात नहीं आई हुई है, बारात जैसे ही आएगी यहाँ आपको पूरा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। ब्लॉग वीडियो पर आप बने रहे, ब्लॉग वीडियो लंबी होगी ज़रूर लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो होनी। जो आप पीछे प्रोडक्ट रखे हुए आप देख सकते हैं एक्चुअली सभी प्रोडक्ट जाने वाले हैं उदाह के तौर पे हम दे जाए जिसको हम डावरी बोलते हैं। आई मीन ये सभी प्रोडक्ट, बेड हो गया, अलमारी हो गया, कुर्सी हो गया, बेड हो गया, लाइक जो चीज़ें हैं सभी जाने वाली हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है जब लड़की की विदाई होती है तो उसके साथ साथ ये सभी चीज़ें भी जाती हैं अंदर, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये एंट्री गेट है, मैं कोशिश करूँगा अंदर जाऊँ और अंदर की मतलब जो भी मेरे से होगा उतना मैं वीडियो आपको इस ब्लॉग वीडियो में बना के दिखाऊँगा। चलो बीच में पहुँच चुके हैं आंगने में, चारों तरफ से मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये मंडप है, शादी का पूरा प्रोसेस इसी मंडप के नीचे होने वाला है, मंडप का भी डेकोरेट ठीक ठाक किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अभी सभी लोग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, ये देख सकते हैं मेरी मौसी आ गई है, मौसी तैयार हो चुकी हो, लाइव चल रहा है।
फाइनली फ्रेंड इसमें बज चुके हैं रात के 8, और एक हिसाब से देखा जाए तो बारात आ गई है और सब नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। अब वापस बारात पीछे बैक साइड चली गई है, एक हिसाब से देखा जाए 500 मीटर बैक, और वहाँ से दुबरा वगैरह लगेगा, उसके बाद उस लोकेशन पे वापस बारात जानी है। मेरे साथ मेरे काफ़ी फ्रेंड लोग भी हैं, इन लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं। हम लोग गाइस भी बारात में फुल इंजॉयमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जितने लोग भी हैं वो भी मस्ती कर रहे हैं। हेलो भाई, मैं अभी चलूँगा डीजे के पास, तब आपको सभी फुल इंजॉय दिखने का मौका मिलेगा। हाँ, यहाँ पर बहुत मस्ती हुआ चुका है, यहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर डॉगी दुबरा लगेगा, वहाँ पर मजे होगा, वहाँ पर देखते हैं। हेलो भाई, हम डॉन बनना चाहते हैं, आप हम सहयोग करें, भाई को सपोर्ट करिए, आपके साथ एक कट्टा हम देंगे आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
फाइनली फ्रेंड्स सुबह के बज चुके हैं 5:30। अभी जो प्रोसेस है, जो अंगना वाला प्रोसेस रहता है, वो चालू हो चुका है। एक्चुअल में रात में मैं सो गया था, शादी का पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे इस समय करेंट में क्या हो रहा है। तो लोग वीडियो बने रहे, थोड़ी देर की वीडियो और रहेगी, उसके बाद ब्लॉग भी हमारा ओवर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं समाप्त हो जाएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स सुबह के बज चुके हैं 6:30 और अभी कुछ ही देर में होने वाली है विदाई। और जिस लड़की का विदाई होने वाला है वो देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। ब्लॉग वीडियो पे आप बने रहे, ब्लॉग वीडियो भी कुछ देर और हमारा चलेगा, उसके बाद ब्लॉग वीडियो समाप्त हो जाएगा। हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस पूरा किया है, रोएंगे नहीं, बट कुछ ही देर में मुझे ऐसा लगता है रोना चालू कर देंगे। इसमें बज चुके हैं 11:00 और विदाई होने के बाद जस्ट मैं सो गया था। तो फ्रेंड आज का ये ब्लॉग वीडियो मैं ही पे समाप्त करता हूं। ऐसा करता हूं ब्लॉग वीडियो में आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। सो इसी तरह की ब्लॉग वीडियो पाने के लिए आप सूरज ब्लॉग इसिया चैनल और कृष्णा ब्लॉग सूरज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।